हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पनीर एक भुर्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बड़ा ही धमाकेदार रेसिपी है और इसे बनाना बड़ा ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए हम एक पनीर भुर्जी बनाना शुरू करते हैं। एक पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 100 ग्राम पनीर को हमने ग्रेट कर लिया है, 7 अंडा लिए हैं हम, 2 बड़े प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, 2 बड़े टमाटर को हमने बारीक चॉप कर लिया है, 1 कटोरी मटर को हमने बॉयल कर लिया है। अगर यहाँ पे आप चाहें तो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। आधा कटोरी हम फ्रेश क्रीम यूज करेंगे। 4 हरी मिर्च को हमने बारीक बारीक काट लिया है। आप अपने तीखा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, कुकिंग ऑयल। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक फ्राई पैन रख लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल आप कोई भी यहाँ पे ले सकती हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा और जीरा को अच्छे से तड़कने देंगे। जीरा अपना ब्राउन हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे ओनियन को डालेंगे और ओनियन को हम 2 से 3 मिनट तक यानी ब्राउन होने तक भूनेंगे। चलाते हुए हमें प्याज को भूनना है। देखिए प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है। प्याज अपना सॉफ्ट हो चुका है। अब हम डालेंगे हरी मिर्च और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मटर डालेंगे। मटर को हमने 2 मिनट तक प्याज के साथ भून लिया है। अब हम डालेंगे टमाटर और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक चला चला के भूनेंगे। टमाटर के साथ ही हम डालेंगे मसाला। तो यहाँ पे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मिर्च डालेंगे। आप अपने तीखा के अनुसार कमियां ज्यादा कर सकते हैं और नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करके और 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। जब तक टमाटर अपना सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हम इसे भूनेंगे। तो बीच में हम इसे कवर कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। अब हम कवर को हटा के और एक बार अपनी भेज को चेक करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कितना अच्छे से टमाटर गल चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे अपना पनीर। तो हम पनीर को इसमें डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर के साथ हम टमाटर प्याज 2 मिनट तक और पका लेंगे। तो हम इसे कवर करके ही पकाएंगे। जब तक अपना पनीर कुक हो रहा है तब तक हम अंडा को फेंट लेंगे।
तो हम एक बाउल लेंगे और सबसे पहले इसमें हम क्रीम डालेंगे और इसमें हम अंडा को तोड़ लेंगे। अंडा को हमने तोड़ लिया है, अब हम एक स्पून से इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। तो हम क्रीम के साथ ही इसे तब तक बीट करेंगे जब तक अंडा अच्छे से अपना घुल ना जाए। तो हम ऐसे चला चला के इसे बीट करेंगे। इस तरीके से बीट करने पे अंडा अच्छे से मिक्स हो जाता है। बीट कर लिया है, अब हम गैस की तरफ चलेंगे। अब हम कवर को हटा लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अपना पनीर जो है अच्छे से कुक हो चुका है। हम एक बार इसे मिक्स कर ले रहे हैं। अब हम डालेंगे बीट किया हुआ एग और इसे हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक तेज फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कि अपना अंडा जो है अच्छे से कुक ना हो जाए। और हम इसे चलाते हुए कुक करेंगे। इस स्टेज पे हमने गैस का फ्लेम तेज कर लिया है, इससे क्या होगा, भुर्जी अपना जल्दी कुक हो जाएगा। तो ऐसे हम चलाते हुए एक भुर्जी को अच्छे से पका लेंगे। 4 मिनट तक हम अंडे को चलाते हुए पका लिया है। अब हम इसे कवर करके 2 मिनट और पकाएंगे और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक बार अपने भुर्जी को चला लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अपनी भुर्जी जो है बड़ा ही यम्मी तैयार हुआ है। अब हम गैस के फ्लेम को तेज करके और 1 मिनट तक इसे और ड्राई कर लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अपना यम्मी पनीर एक भुर्जी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और इसमें पनीर भुर्जी को सर्व करेंगे। पनीर एक भुर्जी बनकर तैयार है। इसे आप पराठे के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकती हैं। ये बड़ा ही यम्मी डिश है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।